नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेश काकरे। क्रॉपफील्ड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज अपन बात करने वाले हैं क्रिस्टल कंपनी का मिसाइल इंसेक्टिसाइड के बारे में, उसकी अच्छाई, उसकी बुराई, उसके डोज क्या होने वाला है, उसका प्राइस क्या होने वाला है और उसके स्प्रे करते समय कौन कौन से बातों का ध्यान रखना चाहिए उसके बारे में, और ये कौन कौन से क्रॉप में काम कर लेते हैं अच्छे तरीके से, और ये कौन कौन से कीट को कंट्रोल कर लेता है अच्छे तरीके से। तो चलिए इसके बारे में आज अपन बात करेंगे मिसाइल इंसेक्टिसाइड के बारे में। ये है मिसाइल इंसेक्टिसाइड और आज अपन बात करने वाले हैं इसके बारे में। तो इसमें आता है एमोनाक्टिन बेंजोल आता है, जो 5% ESG फॉर्म में आता है, जो सेवाई के रूप में आता है। की बात करें तो 15 लीटर पानी में 8 से 10 ग्राम यूज करना चाहिए घोल के अच्छे तरीके से, तो काम कर लेता है। अगर एक एकड़ की बात करें तो एक एकड़ में 80 से 90 ग्राम प्रति एकड़, 150 से 200 लीटर पानी में मिलाकर अच्छे तरीके से। और इसके साथ में अगर आपने टॉनिक लगाना है तो टॉनिक भी लगा सकते हैं उसके साथ में, NPK 19-19 भी अगर लगाए तो भी कुछ भी साइड इफेक्ट नहीं है इसका, अच्छे तरीके से काम कर लेता है दोनों भी, और इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हाँ फ्रेंड, अगर आप मेरे चैनल में अगर नए होंगे तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे नई नई वीडियो आपके लिए लाते जाऊँगा, और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको अगर ऐसे से अगर नए नए वीडियो आपको मिलते रहे, ताकि सबसे पहले आपको इसका नोटिफिकेशन आपको मिले। स्प्रे करते समय की बात कर लेते हैं, स्प्रे करते समय कौन कौन से बातों का ध्यान रखना है। तो स्प्रे करते समय आपको अपने को ध्यान रखना है कि ज़मीन में नमी होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको स्प्रे करने के बाद में आपको उसका रिजल्ट अच्छा मिले। और स्प्रे करने से पहले आपको पेट भरकर खाना खा लेना चाहिए, ताकि आप स्प्रे करने के बाद में खाना ना खाएं। अगर आपके खेत में अगर नमी नहीं है तो पहले पानी छोड़ दीजिए, उसके बाद में आप उसका स्प्रे कर दीजिए मिसाइल इंसेक्टिसाइड का, तो आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। अगर आप मेरे चैनल में नए होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपको अगर इस संबंधित अगर खेती के रिलेटेड अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट कीजिए। कमेंट करने से हमको मोटिवेशन मिलता है। मिसाइल इंसेक्टिसाइड कौन कौन से क्रॉप में काम कर लेता है इसकी बात करें तो ये सोयाबीन, तूर, चना, कपास, उड़द, मूंगफली और बैंगन, फूल गोभी, बंद गोभी, मिर्ची, टमाटर, धान और सभी प्रकार के सब्जी वगैरह हो या अनाज वगैरह, जैसे कि फूल वगैरह हो गया, जैसे जिसमें भी फूल वगैरह आ गया या सब्जी वगैरह आ गया और जिसमें कीट आता है ना, उसको अच्छे तरीके से कंट्रोल कर लेता है। मैं आपको पहले ही बताया उसके लिए बहुत ज़रूरी है ताकि आपको अच्छे रिजल्ट मिल सके। और अगर इसकी अगर बात करें तो कौन कौन से कीट को कंट्रोल कर लेता है, अगर इसकी कौन कौन से इंजियों को कंट्रोल कर लेता है, तो अगर इसकी बात करें तो ये बेलबोर, कटरपिलर, फल छेदक, तन छेदक और डायमंड वेग मूत और चिकनबरी और गोपकी सुंडी और गुलाबी सुंडी, काली भूरी और ऐसे बहुत से प्रकार के इंजियों को ये कंट्रोल कर लेता है अच्छे तरीके से। अगर इसके अगर रेट की अगर इसके प्राइस की बात करें तो इसकी प्राइस लगभग 500 से 600 के बीच में मिल जाता है। उसके अलग अलग शहर, अलग अलग गांव के अलग अलग स्टेट के हिसाब से मिलता है। हमारे इधर महाराष्ट्र में 500 से 600 के बीच में आराम से मिल जाता है। और अगर सावधानियों की बात करें स्प्रे करते समय, ग्लव्स, मास्क
ये समय मुंह अगर पूरे झाके रखना है और अपने को स्प्रे करना है। और इसका रेट ऊपर नीचे थोड़े बहुत हो सकता है, क्योंकि अलग अलग स्टेट में, अलग अलग शहर में, अलग अलग गांव में इसका रेट अलग अलग रहता है। ओके, तो थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। और अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही सपोर्ट कर दीजिए। आप जितना सपोर्ट करेंगे उतना हमको मोटिवेशन मिलता है। तो थैंक यू। अगर मेरे वीडियो की बात करें तो मेरे हर वीडियो दो दिन में आने वाला है, तो दो दो दिन में आने वाला है। इसलिए आप अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बाजू वाले बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि ऐसे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो ऑन कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, ठीक है, थैंक यू।